सर इसको कुएं को मत देखिए, कुआं तो छोटा ही है, इसकी स्थिति को देखो कितनी भारी है। सबसे बड़ी बात जब इसका मुझे बांध यार, क्योंकि ये ऊपर ना फिर इसी बांधना पड़ेगा इस रस्सी के दो कलर। अरे भाई बहुत लंबी है वो, बांधा तुम्हें ना, नहीं तुम दूसरे सीधे बांधो। अरे वो लौंडा सही कह रहा है, उसे बांध के पहले तुम उसे पहले उसे बांधो, और दूसरी रस्सी से बांधेगा। अरे अपनी ना भैया जो हाँ ऐसा है, जब बैठ गया है ना एकदम बैठे बैठे तो साइड जो होगा वो निकल कर आगे ऊपर को। वो बात तो मैं मान रहा हूँ, तो ले तो यार दो जब कल से हाँ वो तो तुम भी कोशिश करोगे, पकड़ो चलो दो तीन मिनट पहुंच जाओगे मेरे घर। मुझे इधर जाना, उधर को भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, भैया पीछे हो जाओ, यहाँ से उधर जाओ, यहाँ से आओ, उधर आ जाओ, आ जाओ, लाइट दिखा दो, लाओ बस बस चलो आराम चलो। पहले रस्सी खींच रस्सी तो कुछ भाई ना रह जाएगा, निकाल लेंगे जब यहाँ खड़े तो खींच के रखे सारे हैं, अब कोई दिक्कत ही ना है बेचारे का कुछ भी हो। देखो खींच के दो मिनट शांत हो जाओ भाई, शोर मत सिर पे बांधो कैसा है, सिर पे सिर पे हर तसल्ली से बंधवा रही है, आराम से कर काम इसके सर पे हाथ से पकड़ लिए, पकड़ क्या कर लिए तुमने, क्या नाम है तेरा सोनू देखो। अरे पैर भी रखो कोई बात नहीं, माता माता है भैया, ऐसे इस वाले नीचे खेल दिए इसके सर पे हाथ फेर दे थोड़ा, थोड़ी शांति से मिल जाए, कान निकाल दे खोल के पीछे से चाहे उसे बांध ले तू, और ऊपर ऐसी आ जा इसके पैरों में बांध दे, अब तो बीच में इसका बीच में ठर में रस्सा गिरा है जब खिंचाएगी भाई। हां वो तो पहले ये वाला हिस्सा खींचो, देव नवे सोए से कुछ दबाओ, अब बीच में बांध दो इसके बीच में रस्सा भैया, वो जमुन भैया तुम जरा निकल के आ जाओ ऊपर को, लंबी का तुम सब जाओ सब पीछे को, पीछे खींचो खींचो तो इसके धड़े में बांध रस्सा बाका जब खींचेगी वो, हां सब पीछे 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 सारे सारे यू ना करने के चलो सारे सारे पीछे भी खेलोगे, सुनो सुनो भैया एक मिनट, या तो फिर यहाँ से भैया ये खोदो, ये लंबा मैटर करना आता तुम्हें ना ना खोदो मत अभी, तुम एक बार कोशिश करने को कोशिश तो करो यार, तुम खेचो मैं कोशिश करो यार एक बार पहले तुम, हाँ भैया जाएगा इसमें जगमोहन, आओ सारे सारे इसके पैर जगमोहन दोनों बाहर है, जगमोहन भाई सही कह रहे हैं, सिपाही की चैन को कितना है, हड्डी तो है, हड्डी तो है, हड्डी है उतना चैन कुप्पी डाल यो कुछ ना करने के, अरे मैं जाऊँ रस्ता तो यार एक और ले ले, अगर यू पैर से लगे मैं जा रहा हूँ पिला दूंगा इधर इधर से पीला वाला, इसके ऊपर पैर रखेंगे इसके मोहरा बांधो ना मोहरा की जितना पीला रस्सा बांधो भाई दोनों पैरों में उठाओ भैया, उधर पैर मार रख गए देख इधर रख पैर, कोई ना कोई अगर तुझे दिक्कत करने लायक है नहीं अभी, क्योंकि इसके भैया कौन से पैरों में दोनों पैर, दोनों पैर हाँ
आगे चलो बोल के बोल के अरे यू सबसे बड़ी बात है, जोन भी लग रहे खींचने पे यार सारे लोग खींच रहे हैं भाई। बल्ली की बात कह रहा हूँ, बल्ली होती तो बिछवा को ऊपर इन वाले पैरों में और मान दो रस्सी वाली है, बांधो बांधो रस्सी पकड़ाई वाली बजरंग बल्ली के लिए ये छिलगी मेडिकल स्टोर से कोई ट्यूब लेगा स्प्रे वगैरह कुछ है आगे? हाँ सब कुछ अच्छी बात बताई बजरंग दल को फोन करता चेयरमैन को काम हो गया गाय निकल भैया सब बात छोड़ो यार पड़ी कल से कहा है सब हमारी माता तुम्हारी माता है थोड़ा रुक जाओ अभी रुक जाओ इस पर बात में लग जाएगा अरे ऐसे हो जा भैया पूरे खिलाफ है मेरे गांव से तुम तो गांव बचा रहे हैं सांप बचाने में हमारे खिलाफ है तेरी सेवा अलग है ज्यादा मेरी है हर चीज लेट है कहलाल की काम अलग से होना चाहिए था बुरा हाल है हमारे का सुनेगा बुरा हाल सब जगह का है तो बुरा हाल हमारे का सुनेगा सब जगह ठीक है सर इसको कुएं को मत देखिए कुआ तो छोटा ही है इसकी स्थिति को देखो कितनी भारी जब इसका कुछ काम नहीं है तो इसे बंद करवा दो ऐसी चीज़ सभी का या तो मिट्टी मत डालो उसके ऊपर ऐसे बनवा दो ऊंचा सा बना दो गाय माता रात की पड़ी हुई है कल मैंने बता दिया मेरे खेत है यहाँ पे जब जाकर निकाल निकलवाई है बहुत बढ़िया कर दिया वरना देखो गर्मी में इतनी बढ़िया हालत है धन्यवाद आप लोगों का खिंचवाई है हमने लग का गल ये सब भाई एक हैं सबने मेहनत हाँ हेलो सबका सहयोग है
हाँ भैया आपका नंबर हमें दिया था सुबोध जी ने। बुद्धू हमने करवाया यहाँ से थोड़ा सा आराम से अलग को कर लो। डॉक्टर का नंबर है किसी के पास? मेरे को तो लोग है भैया मेरा नंबर मिला हाथ जोड़ वाला चुप कर यार भैया तुम किसी को मिलाओ ये जैसा पड़ी है इधर का मुँह है इधर गोबर कर रखा है ये घूमी है पूरी रात पूरा दिन कोशिश कराए ना पूरी तो इसीलिए भूखी प्यासी बेचारे क्या है बताओ स्प्रे किस पे स्प्रे मेरे बेटे ने बताया भैया तुम मत कीजिए पीछे भैया तुम तो पूरी रात सो गए हो ठीक है लेकिन हमारे बता रहे ना हमें रात को नींद भी ना आती मेरे पास रवि ने रवि भाई ने फोन करा भैया मैंने करा 10-15 मिनट में आ गया मैं तुरंत रवि को मैंने बताई है हां तो वही तो बेटे ने मुझे बताई मेरे साहब की कॉल आई मैंने कैंसिल कर दिया भैया एक बाल्टी पानी मिल गया दोस्त कहीं गर्मी बनी पड़ी है अभी सही ना पानी अभी कुछ नहीं शरीर में गर्मी बनी है तो इसे डॉक्टर को बुलाकर दवाई नहीं है इंजेक्शन लगेगा नहीं है भैया नहीं है हो सकता है कोई पकड़ने के चक्कर में जो इसके गाय के पीछे पड़ा हो और पकड़ने की वजह से बहुत बहुत ज्यादा काफर लोग हो सके भैया वो छोटू कह रहा था कि भैया इधर से भागी आ रही और यूं गिरती हुई मन के यार सब बता रहा भाई चलो कोई बात नहीं है अबे चलो अब आ भाग निकल ये है भैया इस पर करो अब इसको उद्धार करो कुछ उद्धार भैया थोड़े से हवा सी लगन दो इसे जो मन बन जाए सुनो इस गाय को अब खड़ी हो जाएगी ठीक हो जाएगी लेकिन तुम्हारी नजरों में रहेगी भाई साहब हो जाएगी यार ये बांध रहे हो तो जाएगी तुम तो साइड में खड़े हो जाओ भैया पीछे गिर जाएगी कभी फिर मेहनत सारी नहीं जावे थोड़ी हाँ आगे लगे की वजह से उधर को रखो ऐसे रखी ना यही इसी तरह बार बार उधर करो दूसरी उधर आप चंगी थी यार ये छोड़ा ना बाद में क्या करता उसमें डॉक्टर दूध निकल रहा है भैया अल्लाह की लगी पड़ी है भाई जरूर बाकी निकाली है लगी पड़ी सारी देखो क्या हाल हो रहा है पैर निकालो भैया पैर निकालो साइड हो खेचो जो बात है ना ग्यावन भाई दूध निकल रहा है अरे भाई ग्यावन ना हां ग्यावन ना ले जाओ खुद को ग्यावन है हां दूध निकल रहा है इसका ना निकल पा रही बस 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 इसको ऐसे लेटे रहने दो छोड़ दो यार प्लीज पहले किसके पेस पर अभी आराम है भैया ऐसे लेट जान दो डॉक्टर डॉक्टर दवाई दिलाओ बस छोड़ दो बस कुएं का ध्यान रखते रहिए भैया ऐसा बंद करवा दो थोड़ा सा पैसे लगेंगे करवा देंगे भैया करवा देंगे ये पेट भर रहा है भैया आ रहा डॉक्टर आ रहा मैंने फोन कर दिया पेट भर रहा है और ना कुछ भी गर्मी से है जी हां पेट भर रहा है इसका देखो इधर कोई गर्दन ना हुआ यहां भी लगाओ यहां भैया यहां भैया ये इसका पेट भर रहा है चोट ज्यादा लगी इसका दवाई दुआ कैसे जब सही होगी घूम गई है पूरी गिरी होगी जिस पोजीशन में थी जिस पोजीशन में अपोजिट हो गई मैं कह रहा गोबर की तरफ मुंह है ना इसका पनल है पनल है स्प्रे के दो ट्रॉली में ओज जाएगा बाहर आ जाएगा जगमोहन भाई तेरी बाइक का तेल निकल रहा है स्प्रे नंबर साहब हमने तो मिला ही नहीं ना उसका चोट बहुत सही लगे भैया नंबर साहब है हां पार्षद बोल लो
अच्छा हाँ मैम भाई समझे तुम तो दाया आओ यहाँ के। अरे मालिक सब तुम्हारी कृपा है। अरे मैम भाई क्या हाल है? बढ़िया भैया। बड़ी देर में देखा नजर कमजोर हो गई तुम्हारी? ना वो जल्दी रकम बात कर रहे हैं तुम्हारा बात मैम भाई साहब तो भतीजे को ही बोल रहे हैं आप देख के भी साइड को कैसा ना होते हो भाई तुम। हाँ यार आ जाएंगे वो भाजी तो इंजेक्शन भी आराम से लग रहा बेचारी के मजबूरी का नाम महात्मा बस अब बेचारी का होना है ना डॉक्टर एक बार से ये देख लिया पेट ना फर रहा हो बस इसका पेट हाँ बस चेक कर लिया पेट फरने का मतलब यू है कि बेचैनी हो जाएगी इसे अगर फराएगा ना इसे बेचैन हो जाएगी पैर पटकने शुरू कर देगी चक्कर काटने शुरू कर देगी। अब तो ये थोड़ा इसकी हेल्थ की वजह ये वाला इंजेक्शन कह रहा है इसे दर्द कर रहा है ये क्योंकि ताकत का इंजेक्शन है यहाँ से क्योंकि रात बिरात को कभी खड़ी होकर फिर गिर जाए इसमें तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर जैसे कि कुछ गड्ढे वगैरह कुछ भी होते हैं जब काम का कुछ चीज नहीं है तो उसे बंद करवा दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कल से पड़ी थी आप देख रहे हैं अब उधर से इसको लाए हैं पास में कभी रात बिरात को कभी उठ के फिर की जाएगी पर दो बंदे एक बार को रहेंगे इसके पास तो इनका भैया के सहयोग से सबके सहयोग से इसको हमने रेस्क्यू कर दिया है बाहर निकाल दिया है। हमारे डॉक्टर साहब भी ये रहे जो बुलाए हैं उन्होंने डॉक्टर साहब ने इलाज डॉक्टर साहब एक कॉल पे ही आ गए तुरंत आ गए हैं और इन्होंने इलाज भी कर दिया है कि बोल रहे हैं कि अगर नहीं भी उठ पाएगी सुबह बोतल चढ़ा देंगे। तो ठीक है भाई कुछ कहना चाहते हो आप? जय श्री राम सभी को जय गो माता। मैं देवेंद्र कुमार राष्ट्रीय बजरंग दल ब्लॉक उपाध्यक्ष भाई का कॉल गया था और तुरंत कॉल पे हम प्लखवाई से निकले ऑफिस से निकलते सीधे घर भी नहीं गए और गाय माता की सेवा के लिए तुरंत हाजिर हो गए। तो यहाँ देखा एक कुआ है और हालांकि सभी को मैं बताऊँ जितने भी खुले हुए कुएं हैं या फिर कोई भी ऐसी गड्ढे वड्ढे हैं उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए तत्काल रूप में। और हम लोग आए सभी हमारे जितने भी साथीगण हैं सभी इकट्ठे हो गए और गाय माता को हमने बाहर निकाल दिया है। गाय की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी अभी डॉक्टर साहब हमारे अंकल साहब अंकल आए हैं और इलाज किया है और इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं गाय अभी ठीक है स्वस्थ है बाकी सुबह देखते हैं क्या होता है। और डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसको बोतल भी चढ़ा देंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी से अनुरोध है गाय माता की सेवा कीजिए गाय को ऐसी लाचार सड़क पर ना छोड़ें और उस पर अत्याचार ना करें क्योंकि गाय माता को हम लोग भूलते जा रहे हैं गाय की रोटी भी नहीं निकाल पा रहे हैं एक रोटी पहले निकलती थी। तो इसलिए गाय माता का पूजन कीजिए गाय माता को पालिए गाय माता का दूध पीजिए सभी लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें जय हिंद। बात यही होती है दूध जब ये लग जाती है कि ये मतलब आने वाली उसको पकड़ लेते हैं दूध खत्म छोड़ देते हैं ऐसा पता नहीं कब से ये कोई व्यक्ति आपको छोड़ा हुआ कभी भी ऐसा ना करें। और हाँ अगर कोई व्यक्ति गाय छोड़ता है उसको चुपचाप वीडियो बना लीजिए और उसे हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 9557080625 और हमारे नगर अध्यक्ष हैं दीपक जी 6399826953। तो दोस्तों आप दिखाते हैं रात तो ज़्यादा हो गई थी 10 बज रहे थे रात के और जहाँ पर हमने बिठाई थी कौन से गड्ढे में गिरी थी ये जगह है यहाँ तो हमने निकाल कर यहाँ पर बैठाई थी आप देख रहे हैं वो यहाँ से चली भी गई मैं उसको काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ और ये गड्ढा था रात को हमने ये डाला था कभी बाद में गिर जाए कभी कोई और जानवर गिर जाए आप देख रहे हैं कितना गहरा है और ये फरीदनगर की माताएँ हैं गोविंदपुरी गौतमपुरी और देखो यहाँ पर जब इसका कुछ काम नहीं है तो ऐसी चीज़ बंद करवा जरूरी है और देखो गाय चली गई है मैंने इसको ढूंढा भी चारों तरफ पर वो गाय अपने खाने के लिए या क्योंकि देखो 24 घंटे बहुत होते हैं अब हम ही 24 घंटे में ये इसकी जगह है जो हमने तार के वहाँ से उसको उठा कर इधर को लेकर आए थे 24 घंटे बहुत होते हैं बेचारी कैसे पानी भूखी प्यासी। तो दोस्तों हमारा काम अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।